हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं अपना यूनिट फाइटर जियोग्राफी और आज का हमारा टॉपिक है बायोजियोग्राफिकल रीजंस ऑफ वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हमने बायोजियोग्राफिकल रीजंस ऑफ इंडिया देखे थे, आज वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। देखिए, फाइटोजियोग्राफी का मतलब होता है कि अगर हम इंडिया की बात करें या फिर वर्ल्ड की, तो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस किस जगहों पर कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज मिलती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे सिंपल वर्ड्स में फाइटोजियोग्राफी यही है। तो जैसा कल हमने इंडिया की बात की थी, अब हम वर्ल्ड में देखेंगे कि वर्ल्ड की बायोजियोग्राफिकल रीजंस कौन कौन से हैं। तो देखिए, 8 बायोजियोग्राफिकल रीजंस है वर्ल्ड में। पहला है अंटार्कटिक रियल या रीजन, एक ही चीज़ है। नी आर्कटिक रियल, नियो ट्रॉपिकल रियल, पैली आर्कटिक रीजन, एफ्रो ट्रॉपिकल रीजन, इंडो मलयालन रीजन, ऑस्ट्रेलेशियन रीजन, और 8 है ओशिनिया रीजन। ठीक, तो ये 8 है। तो सबसे पहले तो और कुछ नहीं, इनका नाम तो कम से कम याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन कहाँ कहाँ मिलती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये। देखिए, सबसे पहला है अंटार्कटिक रीजन। तो अंटार्कटिक रीजन में अंटार्कटिका और साउदर्न ओशियन का जो हिस्सा है वो आता है। साउदर्न ओशियन से जो अराउंड सराउंडेड है एरिया वो आता है इसके अंडर। और अंटार्कटिक रीजन का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है और यहाँ पे एक यूनिक तरह के मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नी आर्कटिक रीजन। तो नी आर्कटिक रीजन में नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा आता है, एक्सेप्ट साउदर्न मैक्सिको और नैरो कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द कैरेबियन। ये वाला हिस्सा छोड़ के जितना भी नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है वो नी आर्कटिक रीजन में आता है। इस रीजन की खूबी ये है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट फौना देखने को मिलता है, कई सारी एंडेमिक स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो सिर्फ इसी एरिया में देखने को मिलेंगी। थर्ड है न्यू ट्रॉपिकल रीजन। तो न्यू ट्रॉपिकल रीजन में साउदर्न और सेंट्रल अमेरिका वाला हिस्सा आता है और कैरेबियन आइलैंड वाला हिस्सा आता है। ये जो रीजन है हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है और इसी के अंदर अमेजन रेन फॉरेस्ट भी आते हैं न्यू ट्रॉपिकल रीजन में। नेक्स्ट है पैली आर्कटिक रीजन। तो पैली आर्कटिक रीजन जो है वो यूरोप, एशिया नॉर्थ, जो हिमालय का एशिया नॉर्थ है उसको, और नॉर्दर्न अफ्रीका है, वो वाला एरिया जो है पैली आर्कटिक रीजन में आता है। पैली आर्कटिक रीजन का क्लाइमेट की अगर बात करें तो कोल्ड विंटर्स होती हैं और वार्म समर्स होते हैं, और यहाँ पर डाइवर्स हैबिटाट रेंजिंग देखने को मिलता है, टुंड्रा से लेकर डेजर्ट तक। ठीक, मतलब हैबिटाट बहुत वैरी करता रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट है एफ्रो ट्रॉपिकल रीजन। तो एफ्रो ट्रॉपिकल रीजन में सब सहारन अफ्रीकन रीजन आता है और ये जो रीजन है वो रिच डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए जानी जाती है और यहाँ पे कई तरह के लार्ज मैमल्स भी देखने को मिलते हैं इस रीजन में। नेक्स्ट है इंडो मलयालन रीजन। तो इंडो मलयालन रीजन में साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और पार्ट ऑफ इंडोनेशिया आता है और इस रीजन को जाना जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए और हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए, और यहाँ पे कई तरह के एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलेशियन रीजन। तो ऑस्ट्रेलेशियन रीजन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गियाना और नेबरिंग आइलैंड्स आते हैं। ऑस्ट्रेलेशियन रीजन को जाना जाता है यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए, इंक्लूडिंग मार्सुपियल्स और मोनोट्रीमेंट्स, जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, मार्सुपियल्स होते हैं, वो ऑस्ट्रेलेशियन रीजन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है ओशिनिया रीजन। तो ओशिनिया रीजन में पैसिफिक ओशियन के जितने आइलैंड है वो आते हैं हवाई को छोड़ के। ठीक, और ओशिनिया रीजन को जाना जाता है कोरल रीफ और मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारा बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड के टॉपिक पर।